में आक्रोश है, युवाओं में जोश है, पाकिस्तान की इन नापाक हरकतों के प्रति युवा आक्रोशित है, उनके मन में आग है। आप देख सकते हैं तमाम युवा यहाँ मौजूद है और ये युवा पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और देखिए युवाओं में जोश है, आक्रोश है और हो भी क्यों ना, इतनी बड़ी शहादत हुई है, भारत देश ने इतनी बड़ी आतंकवादी घटना की त्रासदी को झेला है। युवा है सवाती जानना चाहेंगे आज जिस प्रकार से सारे देश का युवा हाथों में मोमबत्ती लेकर के, दिलों में आग लेकर के पाकिस्तान के प्रति नफरत है, युवाओं में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्या है युवाओं, क्या सोचते हैं युवा? आप सभी को पता होगा कि जिसने भी ये अटैक किया पुलवामा का, वो खुद एक इंडियन था, कश्मीर का ही था वो भी। अगर हमारी गवर्नमेंट कश्मीर वालों को अच्छे से एम्प्लॉयमेंट दे, उनको रोजगार दे, तो उनका ध्यान भटकेगा नहीं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तभी वो गलत रास्ते में जाते हैं, और पाकिस्तानी ऐसे लोगों की ही तलाश में रहते हैं कि वो उनको भटका सकें, पैसों का लालच दे के गलत काम करवा सकें। अगर वहाँ पे रोजगार होता तो वो क्यों ऐसे काम में इन्वॉल्व होता और ऐसा अटैक क्यों करता? हमारे इंडियन नहीं, हमारे इंडियंस पे अटैक किया तो इससे ज्यादा बुरा कुछ हो नहीं सकता, तो उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए मुझे ये लगता है। कश्मीर वाले भटके हैं युवा, और भटके हुए युवाओं को कश्मीर से सह प्राप्त आतंकवादी संगठन भटका रहे हैं, भारत देश के प्रति उनके दिल में नफरत फैला रहे हैं। युवाओं का कहना है देश के छुपे गद्दारों से ही देश को खतरा है। आज हमारी सेना इस देश में दो मुद्दों पर लड़ रही है, उसको दो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तो सीमा पर खड़े पाकिस्तानी आतंकवादियों से लड़ना है, दूसरा देश में छुपे हुए गद्दारों से ही उसको लड़ना पड़ता है। कश्मीर में हमारी सेना का क्या हाल है? पीछे से हमारे देश के गद्दार जो इस देश में रहते हैं वो सेना पर हमला करते हैं, पत्थर मारते हैं, और सामने से पाकिस्तान जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है उससे लड़ाई लड़ती है। इसमें युवाओं में जोश है, काफी खौफ है। वो बता रहे हैं कि रोजगार अगर होता तो ये घटना नहीं होती। मैं पूर्णतः इससे सहमत नहीं हूँ, रोजगार जरूरी है। अगर रोजगार नहीं है तो क्या देश से गद्दारी करेंगे हम? नहीं, ये गलत बात है। हम बेरोजगार है कभी भी देश में भक्ति करेंगे, देश के लिए लड़ेंगे। जिस युवा के मन में ये विचार है कि मुझे रोजगार नहीं है तो मैं देश के खिलाफ लड़ूंगा, ये गलत है। देशभक्ति पहले, देश है तो हम सब रहेंगे, देश नहीं होगा तो हम नहीं रहेंगे। ठीक है, सरकारों की गलती है, सरकार की पॉलिसियां गलत है, सरकारी लोग अपने पद पाने के लिए, अपने को दोबारा से सत्ता में रहने के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। इसी कड़ी में अब आपके सामने मोहित बुलिया युवा है, बहुत समाज में जागृत युवा है, इनसे जानते हैं। हमारे देश में आए दिन हो रहे आतंकवादी हमले, हमारे शहीद जवान शहीद हो रहे हैं, इसमें आप सरकार की पॉलिसी या किसको दोषी मानते हैं? सबसे पहले मैं पुलवामा में जो शहीद हुए सैनिकों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उसके बाद तो समाचार के परिवार की तरफ से जो आयोजन किया गया मैं उनका भी यहाँ स्वागत करता हूँ। सरकार की इन पॉलिसियों के तहत जो हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं, हालांकि उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि वो हर सैनिक बल से आते हैं और सिर्फ सेना में शहीद होने वाले सैनिकों को ही शहीद माना जाता है, और उनकी जो पुरानी पेंशन की जो नरेंद्र जी ने आवाज उठाई और भी साथियों ने कई बार बोला कि उनकी भी पेंशन होनी चाहिए, इसके लिए जंतर मंतर पर दिल्ली में धरना दिया गया था और वहां पे इसके बारे में कोई भी इसका पत्र लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, संसद का घेराव था। इस देश में समस्याएं बहुत हैं, उन समस्याओं का समाधान हम सब मिलकर ही ढूंढ सकते हैं। हम युवा अमित नंबरदार जी जो पिछले कई वर्षों से समाज में चलकर हर इवेंट में हिस्सा लेते हैं, ये ऐसे युवा हैं जो देश के बारे में सोचते हैं, देश की बातें करते हैं, आओ इनसे जानते हैं। अमित जी, पुलवामा में 42 शहीदों परिवार आज दुख की घड़ी में है, पूरा देश इनके साथ खड़ा हुआ है। क्या जो सरकार 10 दिन से
बिल्कुल बिल्कुल अपना नहीं है या क्या कहें, क्या बदला होगा इन शहीदों का, आपके हिसाब से क्या बदला होना चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए? पहले तो मैं अपनी टीम की तरफ से, समाचार कैरी की टीम की तरफ से, इन पुलाव गांव में जो शहीद हुए इनको मैं नमन करता हूं और जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, हम और जो हमारे देश के नेता हैं, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, इनको एक होके इनकी इनके लिए बदला लेना चाहिए। हमारे जवान यदि 50 शहीद हुए हैं तो हमें उनके 500 जवान मारने चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अब तो चंद्राम सिंह बलिया जी हैं, इनसे एक सवाल है। आज पुलवामा हमले को लगभग 9 दिन हो चुके हैं, सरकार आए दिन कह रही है बदला लिया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, इनको किसी भी पद पर छोड़ेंगे नहीं। क्या आप सरकार के इन फैसलों से सहमत हैं? सरकार को क्या करना चाहिए? कई सरकार हमें बहका तो नहीं रही है, सरकार ने 10 दिन में क्या एक्शन लिया है? इस सरकार की पॉलिसी से, इन एक्शनों से आप सहमत हैं, आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं? सबसे पहले तो मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं सैनिकों को आज तक। और ये जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि हम भाई जो वीरगति को प्राप्त हो उनके योजना के मुताबिक तो ये चाहते हैं कि आज ही फैसला हो जाए, क्योंकि हम कमजोर नहीं है, भारत देश कमजोर नहीं है। लेकिन कुछ पॉलिसियां होती हैं वर्ल्ड के लिए, उनके माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी जैसे कर रहे हैं, मैं उससे सहमत हूँ। रही बात भाई वीरगति को प्राप्त हुए उनकी पेंशन की, मैं इस बात पे सरकार से सहमत नहीं हूं। देश के लिए मरे हैं, हमारे लिए मरे हैं, उन राजाओं के लिए जो एमपी एमएलए प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए मरे हो भाई। एक एमएलए एक एमपी ना उसकी डॉक्टरी होती है ना उसकी शिक्षा का प्रावधान है, और एक सैनिक के लिए मैट्रिक पास होना, बीए पास होना, शारीरिक ठीक होना और उसको पूरी तरह तोल के लिया जाता है, उसकी तो पेंशन नहीं। और एक एमपी एमएलए जो 10वीं फेल हो, 8वीं फेल हो, बीमार हो, उसके 2 दिन एमपी रह जाओ, 2 दिन एमएलए रह जाओ, उनकी पेंशन, ये कहां का न्याय? मैं इस न्याय की तरफ निवेदन करता हूं, सरकार इस पर ध्यान दे। धन्यवाद। सरकार भेदभाव की पॉलिसी बदलकर इस देश में सभी सैनिकों के लिए एक कानून, एक नियम, हर आज हर इंसान को दर्द है। सीआरपीएफ के जो 42 जवान शहीद हुए हैं उनकी पेंशन क्यों नहीं? एक सवाल सरकार के सामने है, सरकार उम्मीद है सरकार इस पर कार्य करके जल्द कोई ना कोई फैसला लेगी। सब है साधुराम वर्मा जी है, आपने भी केंद्रीय सरकार में नौकरी की है, क्या कहना चाहेंगे आप वर्तमान में जो 370 की मांग उठी है, पेंशन की मांग उठी है, जायज है? देखिए, जो पूर्व वक्ताओं ने बात कही है मैं उनसे सहमत हूँ, और जो पुलवामा में जो हमला हुआ उन शहीदों पर दुख भी है और गर्व भी है। मैं गर्व करता हूं उन पर और अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। थैंक यू जी। और देखिए हमारे साथ युवा हैं, जुड़ना चाहेंगे, हरिप्रकाश गुलिया जी हैं। हरिप्रकाश जी, आप पूर्व में खिलाड़ी भी रहे हैं, वर्तमान में आप विभिन्न संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। आज देश के सामने दो प्रश्न, विकट प्रश्न है, धारा 370 को लेकर के, पेंशन को लेकर के, आतंकवादी हमलों को लेकर के, युवा क्या सोचते हैं? अभी हमारे भाई नरेंद्र ने बताया, सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जो हमारे अर्धसैनिक बल देश के लिए शहीद हो जाते हैं तो उनकी पेंशन होनी चाहिए। और एक और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ही निवेदन करता हूं, ये तो बहुत दिन हो गए, आज भी मैं न्यूज देख रहा था, पाकिस्तान तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, उनको सुरक्षा और दे रखी है, हमारे 42 मरे हैं तो उनके 104
मारने चाहिए। ये सच्ची सरकार नहीं है।